हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंट्रेंस कंटेंट ऑफ सर्कुलर मोशन। आज का पूरा लेक्चर जो रहेगा दैट विल बी डेडिकेटेड टू द एंट्रेंस कंटेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर मैं आपको सर्कुलर मोशन की कुछ और चीजें जिसको हमने बोर्ड्स के अलावा सीखना चाहिए फॉर द एंट्रेंसेस ऑफ जेईई एंड नीट एज वेल एज फॉर सीईटी, उसको मैं आपको समझाऊंगा। आज का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी क्लियरली फोकस्ड ऑन द सिनॉप्सिस पार्ट। तो सिनॉप्सिस पार्ट का मतलब होता है थियरी, फॉर्मूले, लिटरेचर, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल्स और वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज एक्सेट्रा ऑन द सेम टॉपिक, करेक्ट। सो सबसे पहली चीज, हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को बोर्ड्स में स्टडी किया हुआ है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि इस टॉपिक को अभी जाने से पहले आपने इसका जो बोर्ड्स का कंटेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको एक बार आपने वापस एक बार रिवाइज करना है, सो दैट आपको एंट्रेंस का कंटेंट समझने में आसानी होगी, करेक्ट है। चलो वेरी गुड। सो अगर ऐसा ही है, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन। थोड़ा बहुत पिक्चर को जाने से पहले या फिर मेन पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन में जो यूजफुल फॉर्मूले स्टडी किए हैं उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा आपको, और उस रिवीजन के बाद वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल एंट्रेंस कंटेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। ओके, सो सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली? इट इज अ मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो जब भी किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस पे अगर मोशन हो रहा है, अगर वो मोशन कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे हो रहा है या फिर पार्शियल सर्कुलर पाथ पे हो रहा है, वो ऐसे भी हो रहा होगा, द पाथ इज सर्कुलर देन द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। मतलब अगर आप कंप्लीट सर्कल कंटिन्यू कर रहे हो या फिर आपने सिर्फ आधा सर्कल कंटिन्यू किया है या फिर आपने सिर्फ 30% ऑफ द सर्कल कंटिन्यू किया है, स्टिल द मोशन विल बी कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। अब जैसे कि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स आती है जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो जस्ट पे अटेंशन, सपोज अगर मैं बोलता हूं कि ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सो इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल अगर घूम रहा है, तो सबसे पहली चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। एंड सपोज द पार्टिकल इज हियर, सो द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्ट टू द पार्टिकल will have arrow direction like this, and this will be called as the radius vector. So always remember, this is the radius vector because the direction of this radius vector will decide the different values of the velocity, acceleration, momentum, etc. Suppose कुछ समय के बाद ये particle घूमते-घूमते थोड़ा बहुत अगर इधर चला जाए, correct? So right now the direction of the radius vector what? This is the direction of the radius vector, correct? And in this whole process, suppose the angle is theta. So this angle covered by the particle during the circular motion will be called as angular displacement. This we know, already know, correct? So therefore, the very first formula is angular displacement, correct? And the symbol for angular displacement is theta or d theta, whatever. And the formula is d theta, is basic formula is, it is 2 pi into number of revolutions. This we know, correct? Another formula for the same thing is, this is first formula, so this is first. The second formula is actually the angular displacement theta is equal to the linear path covered by the particle divided by r, correct? So linear path jo bhi cover hoga divided by r. So this is the linear path, so that is ds, and this ds divided by this radius will give you, yes, it is d theta, correct? So that is angular displacement, one of the formulae. Second one, that is angular velocity. Now what is angular velocity? Angular velocity is how much speed is given by or taken by the body during performing the circular motion. मतलब body circular motion करते वक्त कितने speed में वो एक circle complete कर रहा है या फिर circle complete कर रहा है, correct? So in that process when we say angular velocity, ये already मैंने board में आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको अभी यहाँ पर इसका सिर्फ पूरा का पूरा विश्लेषण देने के बजाय मैं आपको सिर्फ formula बता रहा हूँ। So angular velocity is nothing but it is exactly angular displacement covered per unit time. So in that process angular velocity का formula, angular velocity is omega, that we know. And omega के related जो अलग अलग formula, सबसे पहला formula one, omega is equal to, it is d theta by dt, that is angle covered per unit time. Hence its unit is radian per second or degree per second. This we know. The second formula generally जो omega का है, that is it is 2 pi by t or it is 2 pi into n. But remember this n is number of revolutions per second. और ये फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही काम में आएगा।
So it is just for uniform circular motion. Another formula, relation between linear velocity and angular velocity, we know that. Some other formula, 3V is equal to R omega. यह हमें पता है that linear velocity या फिर उसी को बोला जाता है tangential velocity. क्यों ऐसे? Simple है. अगर एक particle घूम रहा है like this, so at this particular position, ये उसका velocity रहेगा. So this will be the velocity. At this position, उसका instantaneous velocity ये रहेगा. And अगर आप गौर से देखो, this direction of velocity is tangent to the circle. Hence, circular motion में linear velocity या फिर track के ऊपर motion के velocity को generally tangential velocity बोला जाता है. It means here linear velocity is also called as tangential velocity. So you can write v is equal to r omega, or you can say that is vt. That is tangential velocity is equal to r into omega. और ये relation जो है, that is the relationship between linear velocity and angular velocity. Okay, next. We'll go for next version, and that is angular acceleration. So when we say angular acceleration का मतलब होता है कि आप कितने जल्दी जल्दी जो motion है particle का circular motion उसकी speed कितने फटाफट बढ़ रही है फिर फटाफट कम हो रही है. Generally हम जब बात करते हैं linear acceleration की, so linear acceleration में क्या होता है कि आप कितने फटाफट linear speed को बढ़ा रहे हो या linear speed को कम कर रहे हो. Similarly in this case, in case of angular acceleration, अगर आपका फैन बंद है सपोज और अगर आपने बटन ऑन कर दिया और वो फटाफट घूम रहा है, तो ऐसे केस में पहले उसका जो स्पीड था और कुछ समय के बाद उसका जो स्पीड होगा उसमें फर्क है. सो एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज. एट द सेम टाइम अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया बटन को, तो पहले जो उसका एंगुलर स्पीड था घूमने की जो स्पीड थी उसके मुकाबले लेटर ऑन जो स्पीड होगी वो कम होती जाएगी. इट मीन्स द फर्स्ट केस वेयर द स्पीड वॉज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग विल बी कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हेयरएज द सेकंड केस वेयर द स्पीड वॉज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग, स्पीड ऐसे ऐसे कम हो रहा था, तो उस केस को बोला जाएगा एंगुलर रिटार्डेशन. सो इन केस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन यहां पर अगर स्पीड आपको लग रहा है कि सब में या स्पीड तो कम हो रही है, तो अगर स्पीड कम हो रही है तो यू शुड टेक अल्फा एज नेगेटिव. सो ये तो हमें पता है, राइट? सो अल्फा का फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. नाउ सपोज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 0 एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, देन change in angular velocity is final angular velocity minus initial angular velocity divided by time. So this is also a formula for angular acceleration. Very good. Next, alpha ka tangential acceleration ke saath bhi lena dena hai. So jaise v is equal to r omega hota hai, waise hi similar a is equal to r alpha bhi hota hai. And remember, this a is at, that is tangential acceleration. Matlab कोई भी व्हीकल, इमेजिन करते हैं कि फिलहाल ये जो डॉट दिया हुआ है मैंने ब्लू कलर का, दैट इज नथिंग बट अ पार्टिकल. हमने यहां पर पार्टिकल कंसीडर किया, हम यहां पर उसको अगर कार कंसीडर करते हैं, सो कार विल बी आल्सो कॉल्ड एज पार्टिकल इन फिजिक्स, करेक्ट? बिकॉज आपको पता है फिजिक्स में पार्टिकल इज एनीथिंग जिसका डायमेंशन मैटर नहीं करता. तो यहां पर हम फिलहाल कार ले या फिर कुछ भी ले, बस ले, कुछ भी ले, यहां पर डायमेंशन मैटर नहीं करेगा. इसीलिए इसको अगर हम कार कंसीडर करते हैं और वो कार ट्रैक पे, मतलब गाड़ी चलते वक्त ट्रैक पे अगर जो ड्राइवर है वो अगर एक्सेलरेटर पेडल पे पैर दबा रहा, तो जैसे उसने एक्सेलरेटर पेडल पे पैर दबाया उसकी ट्रैक पे वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, राइट? मतलब उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ने लगेगी. सो इफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, ऐसे हम बोलेंगे, करेक्ट? एंड दैट एक्सेलरेशन विच इज ऑन द ट्रैक विल बी कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. एंड दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हैज द रिलेशन at is equal to r alpha, ये हमें पता है, right? Very good. अगर हमें ये सब कुछ चीजें पता है तो अब हम लोग next concept पे जाएंगे, and that is nothing but centripetal और radial acceleration, ठीक है? Now जब भी हम circular motion करते हैं तो हर एक पार्टिकल पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स आता है, एंड दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप दैट बॉडी अंडर द सर्कुलर पाथ. इट मींस फॉर एनी सर्कुलर मोशन दैट पर्टिकुलर फोर्स इज रिक्वायर्ड जो उसे सेंटर की तरफ पकड़ के रखेगा, एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स. बट एज वी नो दैट फॉर एनी फोर्स टू हैपन देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब हर एक फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जरूरी होता है. इसका क्लियरली मतलब है अल्टीमेटली किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए जो एक्सेलरेशन जरूरी है दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन. इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है हमने बोर्ड्स में देखा हुआ है, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से लेना देना है. एंड ऑब्वियसली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मूले. वेरी फर्स्ट
इट इज ए रेडियल बोलेंगे हम इसे, सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, सो इट इज ए आर। रेडियल एक्सेलरेशन का सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है ए आर इज इक्वल टू वी इनटू ओमेगा वेयर वी इज वीटी। सो इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज वीटी इनटू ओमेगा, करेक्ट। अब आपको पता है कि अगर आप वीटी की वैल्यू अगर यहां से आर ओमेगा यहां पर रख देते हो, एक और आपको फॉर्मूला मिलेगा, सो वीटी दैट इज आर ओमेगा इनटू ओमेगा विल बिकम आर ओमेगा स्क्वायर। एज वेल एज अगर आप यहां पर ओमेगा की वैल्यू अगर रखते हो, ओमेगा इज इक्वल टू आर डिवाइड हो जाएगा वीटी बाय आर, सो इट विल बी v square by r, so it is vt square by r, whatever। अब सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो सम है, डेटा जो आएगा आपको जे या नेट के न्यूमेरिकल्स या सीईटी के न्यूमेरिकल्स में, वहां पर अकॉर्डिंग टू डेटा आपको इन तीनों में से एक फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, राइट है, वेरी गुड। अगर सेंट्रिपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, राइट, सो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट सेवंथ कॉन्सेप्ट, दैट इज सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। नाउ व्हेन वी से सेंट्रीपिटल फोर्स, हम पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर बात करें, CPF, तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एज इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, हेंस दिस एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज AR। So now we can easily put up the formula, that is m into AR, but AR has these three formulae. So it will be m v omega, m r omega square and m v square by r. Now we are not taking as vt, we are taking just as v, correct? So इसलिए किसी को कुछ भी problem नहीं होना चाहिए, because ये already हमने study किया हुआ है, ठीक है? So यहाँ तक तो हो गया, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, next level पे जाते हैं, है ना? So, अभी तक फिलहाल के लिए हमने ये फॉर्मूले स्टडी कर लिए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड एज यू नो दैट अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये बॉडी, सॉरी ये सेंटर है, एंड इफ दिस इज अ बॉडी, सो फॉर सर्कुलर मोशन टू हैपन, ये बॉडी के ऊपर एक रियल फोर्स आता है टुवर्ड्स दिस सेंटर, करेक्ट, एंड दिस टुवर्ड्स सेंटर फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट वी नो दैट, बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑलवेज ट्राई टू अपोज द एनी चेंज ऑफ द मोशन, और एनी चेंज ऑफ द मोशन ऑकर्ड ऑन इट, तो इसके ऊपर जब अंदर की तरफ फोर्स आने की कोशिश करेगा, तो ये बॉडी जो है वो खुद बाहर जाने की कोशिश करेगी, सो दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CFF। ऑलवेज रिमेंबर, सर्कुलर पाथ पे बॉडी अगर इसी पाथ पर है, सो एट दिस मोमेंट ना बॉडी इधर गई ना बॉडी उधर गई है, इसका क्लियरली मतलब है दिस टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, इसीलिए बॉडी अभी भी क्रैक पर बनी हुई है। So, centripetal force and centrifugal force are generally equal. इसीलिए centrifugal force का भी जो formula है वो यही होता है, ठीक है ना? So, ये हमें समझना चाहिए that centripetal और centrifugal दोनों भी forces equal but opposite direction में होते हैं, और equal है इसलिए उनका formula same होता है। Always remember, centripetal force is a real force, but centrifugal force is not a real force, it is just experienced by the body. Now, real force or pseudo force, है ना? तो ये रियल फोर्स है और वो सुडो फोर्स है। अब रियल फोर्स और सुडो फोर्स क्या होता है, दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, दैट रियल फोर्स में ओरिजिन ऑफ द फोर्स इज नोन, हमें पता होगा कि कहां से ये फोर्स आ रहा है, बट इन केस ऑफ सुडो फोर्स वी डोंट नो कि ये फोर्स हमारे ऊपर क्यों आया। जैसे कि अगर आप किसी कार में बैठे हो, कार ने अगर एक शार्प टर्न ले लिया लाइक दिस, सो आप बाहर की तरफ मुंह होते हो, बट आपको पता नहीं होता कि आपके ऊपर जो मोशन आया बाहर की तरफ वो क्यों आया है, कहां से आया है, किसने धक्का दिया है, यू डोंट नो दैट, hence it is a pseudo force. So centrifugal force, that is a pseudo force, it is the same force that is experienced by the person who is sitting in the car, and if the car is taking a sharp turn, so hame jo feel hota hai force, that is nothing but centrifugal force, correct hai? Hum hamesha center se away jaane ki koshish karte hain, right? Iske kafi sare examples wagera humne already old lectures mein dekhe hue hain, right? Ab hota kya hai, sochne layak baat hai ki agar suppose jo body hai वो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन इन विच द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर एंड कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। अगर वो सेम स्पीड से मूव हो रहा है, लाइक दिस, जैसे अभी फिलहाल मेरा हाथ जैसे मूव हो रहा है, इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड, करेक्ट, सो दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर मैं मोशन ऐसे कर दूं, यहां पर आपने देखा होगा कि हर एक सर्कल ने
या फिर हर एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल करते वक्त सेम टाइम नहीं लगा, बीच में कहीं स्लो हो गया था, बीच में कहीं फास्ट हो गया था. सो इन दिस प्रोसेस द मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सो पे अटेंशन. फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो अगर ये सब सर्कुलर पाथ है राइट, और अगर सेंटर है ये पार्टिकल, अगर सपोज यहां पर, और ये अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मींस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग, मींस देयर इज एन एक्सेलरेशन. सो इसका मतलब है ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस पार्टिकल एक्सपीरियंसेस टू एक्सेलरेशन, वन दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन. सो अगर मैं अब ये एरो हटा देता हूं रेडियस का, ठीक है, सो वन विल बी रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज kr. Because as the body is in circular path, as body is moving in a circular path, that means it is having a certain kind of acceleration towards the center, and that is nothing but radial acceleration. It means body circular motion कर रही है, मतलब बात खत्म. Body circular motion कर रही है, मतलब उसके ऊपर radial acceleration तो आएगा ही. So whether it is uniform or non-uniform, it is a circular motion, so radial acceleration तो आएगा ही. अब मुद्दा ये है, अगर वो uniform circular motion में होता है body, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता. सर क्यों नहीं होता? बिकॉज मैंने आपको ये बताया था ऑलरेडी, अभी भी बताऊंगा. बिकॉज एट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो हो गया. मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है. मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंसिडर हम नहीं करते, ठीक है. बट जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म, मींस इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, करेक्ट. सो इसका मतलब है यहां पर इस बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा. सो इट मींस फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज AR एंड AT बोथ, बट इन केस ऑफ ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज ओनली AR, नो AT. अंडरस्टूड? So, अब अगर पार्टिकल एट द सेम टाइम AR भी एक्सपीरियंस कर रहा है रेडियल एक्सेलरेशन एंड AT दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इफ इट इज फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग बोथ द एक्सेलरेशंस, इट मींस द टोटल एक्सेलरेशन विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा A, दैट विल बी द टोटल एक्सेलरेशन. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर दिस टोटल एक्सेलरेशन. अंडरस्टूड? वेरी गुड. So if suppose this is AR, this is AT, then the total acceleration will be A, which is the resultant of AR and AT. Now as you know that the formula for resultant is AT is equal to under root AR square plus AT square plus 2AR AT cos of phi, where phi is the angle between the two components. So AR or AT ke bich ka angle jo rahega wo phi rahega, as we know that here the value of phi is 90 degree. So phi is 90 degree because AR is radial. Radial and AT is tangential, and as we know that angle between the radius and the tangent of the circle is 90 degrees. So phi is equal to 90 degrees. So when we put phi is equal to 90 degree, cos 90 will become 0. As cos 90 is 0, so only this term will remain. So total acceleration is equal to under root AR square plus AT square. Correct? So total acceleration jo hoga, wo hum find out karenge. Total acceleration, that is A. राइट, सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर. इसका मतलब अगर आपके सम में आपको पूछा गया व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, सो आपको याद रखना है कि आपका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर. ओके, मुद्दा ये है कि अगर सपोज बाय चांस अगर यही क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पूछा जाए, सो वी नो दैट एटी इज जीरो. फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमने जीरो पुट अप किया, तो ये चला गया. So it will be A is equal to under root AR square, which is A is equal to AR. It means this formula is valid for non-UCM, and for UCM, A is equal to AR. ये formula हमारे लिए क्या होगा? Valid होगा. ये हमें पता है. Correct. So students से मैं ये कहूँगा कि अभी हम एक 2-4 मिनट का pause, मतलब 2 second का pause ले लीजिए. ये जो आपके सामने भी फिलहाल दिख रहा है, इसको pause करके एक बार note down कर लीजिए. फिर हम आगे वाले part को continue करेंगे. चलिए. सो होपफुली आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अभी भी जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे लिए कवर करना जरूरी है, दैट इज नथिंग बट यस व्हीकल्स के मोशंस हमें कंसीडर करने हैं.
राइट। सो जब भी हम व्हीकल मोशन की बात करते हैं, सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कार जब किसी रस्ते पे मूव होती है, सो देयर आर टू कंडीशंस। वन इज व्हेन द मोशन और द व्हीकल इज अंडर मोशन सच दैट द रोड इज फ्लैट, मींस इट इज अनबैंक्ड। सो व्हेनेवर द रोड इज फ्लैट, सो मोशन ऑफ द कार ऑन फ्लैट रोड, सो ए मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अनबैंक्ड दैट इज फ्लैट रोड। सो इट इज वेरी मच सिंपल दैट अगर सपोज ऐसे रोड जा रहा है, तो आप अगर यहां से देखोगे तो रोड आपको जनरली सिर्फ उसकी विड्थ जो है वो इतनी नजर आएगी, वो रोड इतनी विड्थ का होगा और ऐसे जाएगा, सो द विड्थ इज सेम इतना ही है और फिर वो ऐसे जाएगा। सो इन दैट केस जब हम व्हीकल की बात करते हैं, सपोज दिस इज अ व्हीकल, ये उसका यहां पर व्हील से दोनों तरफ, ठीक है ना। सो सपोज ये रोड अब यहां से अगर सपोज ऐसे टर्न लेने वाला है, व्हाटएवर, सो इन दिस प्रोसेस द वेट ऑफ द व्हीकल इज डाउनवर्ड, करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस जो टच है वो तो ऐसा है, तो इसको इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर ये रोड एज अ सर्कल हम कंसिडर करें, इमेजिन करो नाउ दिस इज अ सर्कल, सो इसका जो सेंटर है यहाँ पर, राइट। सो दिस फोर्स अभी सपोज अगर ये ऐसा है, राइट, और ये व्हीकल थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, सपोज इन दैट केस यहाँ पर सर, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स आएगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट, एंड ये गाड़ी बाहर जाने की कोशिश करेगी, सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट नाउ यहां पर इस केस में गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम जो करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स करेगा, हमने स्टडी किया था, इसीलिए एक्चुअल फोर्स जो वो यहां से आएगा, कहां से, फ्रॉम द बॉटम व्हील से आएगा, बट चारों व्हील से आने वाले फोर्स को हम एक ही कंसिडर करके टोटल सेंटर ऑफ मास से अगर उसको दिखा दें यहां पर, सो दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज म्यू इनटू एन, करेक्ट। एट द सेम टाइम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल बी एक्सपीरियंस बाई द पैसेंजर्स विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन विच विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर, वी आर टेकिंग हियर इट इज एज एम वी स्क्वायर बाई आर, बट एज यू नो दैट यू कैन इवन टेक इट एज एम आर ओमेगा स्क्वायर, यू कैन इवन टेक इट एज एम वी ओमेगा, बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वेलोसिटी, द सेफ्टी स्पीड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द फॉर्मूला एज एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर वी इज देयर विच इज द सेफ्टी स्पीड। नाउ फिलहाल की अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चलेगा देयर आर द फोर फोर्सेस। So, if you want, see, there is a key to understand circular motion के sums. Circular motion के कोई भी sum को अगर आपको समझना है, you must know the forces acting on the bodies, very first. Second, if there is any kind of force which is not along the x or along the y, then resolve it. And third step, equilibrium. So, right now, the forces are in x and y direction, so no need to resolve anyone. But हम लोग equilibrium लेंगे और equilibrium लेने के बाद हमें पता चलेगा that mv square by r is equal to mu n and n is equal to mg. So total upward force that is n is equal to total downward force that is mg. That is the first thing. Second thing is total rightward force that is mu n is equal to total leftward force. Ya fir hum aise likhte hain, total leftward force that is mv square by r is equal to total rightward force that is mu n. Correct? Now students pay attention. Kafi sare log. Ab maine jo concept aapko abhi filhal yahan par sikhaya hai, that is the method of centripetal and centrifugal force. So, मैंने सेंट्रीपिटल भी कंसिडर किया है, सेंट्रीफ्यूगल भी कंसिडर किया है, एंड हेंस टोटल लेफ्ट इज इक्वल टोटल राइट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल, इस लॉजिक से मैंने इसे लिखा है। आपके सिलेबस में काफी सारे बुक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर किया ही नहीं जाता, दे जस्ट टेक एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों भी तरीके गलत नहीं है, दोनों भी तरीके सही है, ठीक है, बट मेरा मेथड हमेशा जो होता है वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में दोनों को लेता हूं, जिसकी वजह से इक्वेशंस बनाना आसान हो जाता है ना। सो अगर ऐसा ही है, यू कैन रेडीली पुट अप दैट एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, व्हाट इज एन, एन इज एमजी, सो नाउ दिस एम एंड एम विल गेट कैंसिल्ड। नाउ एज यू नो दैट इन इक्वेशन, नाउ एम इज गेटिंग कैंसिल्ड मींस फर्दर इक्वेशन विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मास, and if any study of mechanics is independent of mass, it means it is kinematics. So it means right now, इसके आगे का जो भी हमारा study होगा, that will be kinematics. So r वहाँ पर जाएगा, so v square is equal to r अगर वहाँ पर चला गया, so it will be mu r g. So therefore the safety speed will be under root mu r g. Correct? ये तो समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन जब हम अनबैंक रोड की नहीं बैंक रोड की बात करते हैं, तो सपोज अगर मैं बात करता हूं
फॉर बैंक रोल। तो इसका डेरिवेशन जो है वो हम ऑलरेडी बोर्ड्स में सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा इसका। तो हम क्या करते हैं, अब अगर ऐसा रोड है सपोज ये अगर ऐसे ही जा रहा है, सो चांसेस है कि व्हीकल बाहर चला जाएगा, तो इसे सेफ्टी देने के लिए हम इस रोड का जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते। तो सपोज अगर हमने आउटर रोड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो ये फ्लैट नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस, करेक्ट, एंड द व्हीकल ऑन दिस रोड विल बी ट्रैवलिंग लाइक दिस, करेक्ट। नाउ ऑलरेडी जो फ्लैट रोड था उसके ऊपर आपने इसे इतने एंगल से ऊपर किया हुआ है, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग, एग्जैक्टली। रोड इज लाइक दिस, ना ऐसे ही जा रहा है, ठीक है ना। सो देर आर सम फोर्सेस, इट्स ऑल फोर्सेस हम दिखाएंगे। वेट विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड, सो वेट विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड, सो दैट विल बी mg, करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, सो दिस इज द सर्फेस, परपेंडिकुलर विल बी दिस, सो दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। ओके बच्चे, दो फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो एक्चुअली यहां पर जो होगा वो अलोंग द टायर रोड को लगने वाला है। तो रोड तो ऐसा है अलोंग द टायर, सो इसका मतलब है ये ऐसे होगा, एंड mv स्क्वायर बाय, या फिर इसे हम म्यू एन ले लेंगे, है ना, म्यू एन। एंड रोड तो वहां पर है सेंटर उसका, तो सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वो तो ऐसे ही होगा, सो दैट विल बी mv स्क्वायर बाय r। अब ये जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिया जाता, लेकिन हम लेंगे इसे सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, इसे पहले तो म्यू एन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सो वन विल बी कंपोनेंट लाइक दिस एंड द सेकंड कंपोनेंट विल बी लाइक दिस। एज यू नो दैट इफ दिस इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, जेड जैसे बन रहा है, सो अल्टरनेट एंगल विल बी देयर, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट विल बी कॉस कंपोनेंट, सो दिस विल बी म्यू एन कॉस थीटा, एंड दिस वर्टिकल विल बी म्यू एन साइन थीटा। एट द सेम टाइम ये नॉर्मल रिएक्शन भी अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करें, सो वन विल बी अपवर्ड एंड द एडजेसेंट विल बी हियर इन दिस डायरेक्शन, सो आगे जाएगा ऐसे, राइट। नाउ इफ दिस इज थीटा, तो आगे ज्योमेट्री के हिसाब से हमने स्टडी किया था कि ये भी थीटा ही है, थीटा के साइड वाला कंपोनेंट विल बी एन कॉस थीटा एंड द रिमेनिंग कंपोनेंट विल बी एन साइन थीटा। इट मींस नाउ ये व्हीकल ऐसे टर्न ले रहा है, सो सेंटर विल बी हियर, सर्कल अगर ऐसे है, इमेजिन करो ऐसे चल रहा है, तो ये एक्चुअली थ्री डायमेंशन है, सो व्हीकल ऐसे चल रहा है तो उसका सेंटर यहां पर, करेक्ट। अगर कोई पाथ ऐसे टर्न लेता है लाइक दिस, सो उसका सेंटर यहां पर होगा। सो सिमिलरली अगर ये भी व्हीकल इधर नहीं जा रहे यहां जा रहे तो उसका सेंटर वहां पर होगा। इन दैट केस द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन बाय टू कंपोनेंट्स, म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, बिकॉज दोनों भी सेंटर की तरफ है। सो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं एंट्रेंस में, दैट व्हेन द व्हीकल इज अंडर बैंक रोड कंडीशन और इट इज ट्रेवलिंग ऑन द बैंक रोड कंडीशन, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड सेंटर इज हियर and two forces are moving towards the center which are mu n cos theta and n sin theta, so your answer will be mu n cos theta plus n sin theta are the centripetal forces, correct। so ye aapko samajh mein aa chuka hoga। ab isse jab hum wapas ek baar solve karte hain, derivation humne dekha hua hai, so we get the direct formula of the maximum safety speed, that is v max as, yaad hai sabhi ko, very good, it is under root, yes kisi ko yaad hai, very good, so it is under root rg, it is mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta, ये formula हमें पता है, right? यहाँ पर हमने mu लिखा है, आप उसे mu s ले सकते हो, static force। अब होता क्या है, static frictional force consider करने के बाद ये formula आपके सामने बन चुका है यहाँ पर। Now इसमें conditions है, suppose पहली बात कि आप गाड़ी चलाना चाहते हो bank road पे, आप गाड़ी चलाना चाहते हो, लेकिन आपकी condition ये है कि नहीं मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ लेकिन मेरा टायर ज्यादा घिसना नहीं चाहिए, मीन्स बैंकिंग ऑफ रोड तो है ना, तो बैंकिंग ऑफ रोड का यूज करके हम चले जा सकते हैं आराम से, टायर घिसने की क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चला रही। सो इफ यू अवॉइडिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर, सो इफ ये स्टार पॉइंट है, इफ अवॉइडिंग वेयर एंड टेयर ऑफ टायर, देन आपको वेयर एंड टेयर करना ही, मतलब फ्रिक्शन तो नहीं होगा, तो नीचे देखा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आप जीरो कर रहे हो, मतलब गाड़ी, अब कुछ लोगों को ये दिमाग में नहीं आता कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, या फिर फ्रिक्शन ही नहीं है, जो गाड़ी चलती है आगे की तरफ ट्रैक पे उस वक्त जो फ्रिक्शन होता था काइनेटिक फ्रिक्शन, उसे हमने जीरो नहीं किया। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब गाड़ी चलते चलते जब रोड पे लैटरली भी वाइब्रेट होती है, लाइक उसके व्हील्स जो है वो लैटरली, अब इमेजिन करो गाड़ी ऐसे जा रही है तो उसके व्हील बाहर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे टर्न लेते वक्त आपकी तरफ से, अगर आप इमेजिन करो ऐसे गाड़ी अगर टर्न ले रही तो व्हील्स आगे जाए तो ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, बट वो रोड पे अगर घिसे साइड में,
ठीक है ना, अगर सपोज बाहर जाकर सेंट्रीफ्यूगल पे से गाड़ी अगर बाहर जाने की कोशिश करे तो द व्हील्स विल मूव इन द साइड वाइज और वो फ्रिक्शन जो होता है दैट इज नॉट गुड और उसी साइड फ्रिक्शन को हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं। सो ऐसे केस में आपका इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, म्यू एस जीरो है लेकिन tan थीटा तो अभी भी है और अगर यहां पर म्यू एस जीरो है तो डिवाइड में वन बचेगा सिर्फ। सो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। एक और केस भी है एंड दैट इज इफ एंगल ऑफ बैंकिंग इज जीरो, एंगल ऑफ बैंकिंग है ही नहीं मतलब फ्लैट रोड लाइक दिस। सो फॉर फ्लैट रोड theta is equal to 0, therefore obviously tan theta is also equal to 0. If tan theta is equal to 0, to imagine for either tan theta 0, either tan theta 0, to only mu s will be there. So your v will be under root mu s rg, which is the same formula. So v is equal to under root mu s rg, which will be the same formula. Hence, this is for unbanked road and that will be the banked road. Here it is only one formula, which is the maximum safety speed. Here it is the actual formula considering both friction as well as angle of banking. This is considering only angle of banking, friction is 0. And this is angle of banking is 0, friction will be there. Agar aap in dono formula ko compare karo, and you suppose both these velocities are same, so yahan se aapko pata chalega that tan theta is equal to mu. So mu s is equal to tan theta is another formula which is very very important in this case. So aise case mein आपने अब यहाँ पर इस स्लाइड को भी पॉज करना है, पॉज करके इसे स्टडी करना है, इसे लिख लेना है, ठीक है। मैं आपको पॉज करने के लिए समय दे रहा हूं, सो 2 सेकंड का टाइम दे। ओके, सो आपने वो स्लाइड पॉज करके उसे लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में और हम थोड़ा बहुत जो है वो आप देखेंगे कोनिकल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। सो व्हाटएवर कोनिकल पेंडुलम, आप लोगों ने इसको लास्ट ईयर स्टडी किया था लेकिन एंट्रेंस पार्ट है, इसे मुझे वापस एक बार पढ़ाना पड़ेगा। सो व्हेन वी से कोनिकल पेंडुलम, सो जस्ट पे अटेंशन, कोनिकल पेंडुलम इज एक्चुअली अ सिंपल पेंडुलम इन विच, आपको पता है अगर कोई सिंपल पेंडुलम है तो एक रस्सी होती है, नीचे बॉब होता है और ऐसे ऐसे घूमते रहता है। लेकिन अगर उसके बॉब को हम सर्कुलर मोशन दें, मतलब वो गोल गोल घूम रहा है और रस्सी जो है वो ऐसे है वो कोन बना रही है लाइक दिस, ठीक है ना। सो इन दिस होल प्रोसेस द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। सो ऐसे केस में अब अगर हम सपोज इसका जो सर्कुलर पाथ है वो ऐसे ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द सर्कुलर पाथ, करेक्ट, एंड दिस इज द रिजिड सपोर्ट। नाउ यहां पर वो बॉब है, ठीक है ना, दिस इज इमेजिनरी हाइट राइट नाउ करंटली, right, this is the radius of the conical pendulum, right, and this pendulum or this bob is making a circular motion along the circular path. Right now it is under the horizontal plane condition, right? So in that case this is string, okay. Now string will experience certain kind of tension, rassi mein tension hoga, tanav hoga, hai na, very good. This bob will have certain weight, so that will be mg, right, very good. So tension hai, mg hai, right. और अब यहां पर क्या होता है ना कि यहां पर बुक या टेक्स्ट बुक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लेता, लेकिन मैं लेता हूं। सो दिस बॉल विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्रॉस सेंटर इज हियर, सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट नाउ दिस टेंशन, करेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्चुअली जब ऐसे मूव होगा तो फोर्स इधर जाएगा, सो यू कंसिडर दिस एज एक्स, दिस एज वाई, सो देयर इज वन फोर्स व्हिच इज टेंशन is not in x not in y, so neither x nor y, so tension we will usko kya karenge hum resolve karenge, so we will resolve tension component in two parts. If this is tension, vertical component will be like this and horizontal component will be like this. Ab jo students jinhe resolution nahi pata hai, theek hai, unhe main bata deta hu kaise resolve karna hota hai. Agar wo to koi component aise hai like this tension, to ye do part mein resolve karte ho to aapne ye sochna hai कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त ये अगर ऐसे है जा रहा है लाइक दिस, सो ये वर्टिकली ऊपर की तरफ इफेक्ट दिखा रहा है या नीचे की तरफ दिखा रहा है, कॉमन सेंस से कोई भी बोलेगा सर ये ऐसे जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, सो वर्टिकल कंपोनेंट भी अपवर्ड। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हिसाब से अगर ये यहां पर जा रहा है तो इट मीन्स इट इज वेदर इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, तो आप बोलोगे सर इधर जा रहा है मतलब वो लेफ्ट में ही जा रहा है, राइट में तो नहीं जा रहा, इसका मतलब है इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाइक दिस, राइट तो ये दो कंपोनेंट हमने कर लिए, राइट, लाइक दिस सेम। नाउ सपोज द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा राइट नाउ, सो नाउ इफ दिस इज थीटा ऑब्वियसली
दिस विल बी थीटा अल्टरनेट एंगल, इट मीन्स दिस इज थीटा. नाउ सेकेंड रूल ऑफ रिजोल्यूशन, द एडजेसेंट कंपोनेंट ऑफ थीटा इज अ कॉस कंपोनेंट. कैसे? ये हमने वेक्टर्स में स्टडी किया होगा. सो ये टी है, ये थीटा है, तो दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा. सो राइट नाउ दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा. करेक्ट. मतलब इसके डेरिवेशन वगैरह के अंदर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी हमारा बोर्ड्स में हो चुका है, राइट. तो अगर ऐसा ही है तो इसके चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें देखने हैं, वो तो रिजोल्यूशन वगैरह करके भी कर सकते हो. सो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ बॉब, दैट इज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वी, सो वी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ठीक है ना. This is the first formula. Second, what is the angular velocity? So, if you know the tangential velocity, you can easily find angular velocity as v is equal to r omega. Right? So, omega ka yahan par jo formula banta hai, omega is equal to v by r. Right? So, v is this, and if you take v by r, to isi ko aapko r ke saath divide karna hai, to aapka formula jo hai, it is under root g tan theta divided by r. तो अगर आप इस v को अगर r से डिवाइड करो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना. नाउ फ्रॉम डायग्राम यू कैन इजीली सी दैट, अगर आप ये ट्रायंगल गौर से देखो, दिस ट्रायंगल, दिस लाइन इज रेडियस, दिस लाइन इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज इस वक्त का हाइट, सो इंस्टेंटेनियस हाइट. सो राइट नाउ इफ यू टेक tan थीटा, सो tan थीटा इज अपोजिट साइड r डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस h. So if you put tan theta is equal to r by h, so omega will be equal to under root g r by h, but ye r hai, so this r r will get cancelled and omega will finally remain under root g by h. Correct? So this is one formula, v is equal to under root r g tan theta, whereas this is second formula, omega is equal to under root g by h. Right? Now third formula, that is, what is time period of the revolution of the bob? So time period. So as we know that if you are considering this as UCM, so under UCM omega is equal to 2 pi by t. If omega is equal to 2 pi by t, everyone can understand if omega is 2 pi by t, then t is 2 pi by omega. Correct? So t will be 2 pi by omega. If t is 2 pi by omega, so t is equal to 2 pi by omega, but omega is under root g by h. If it is dividing, so it will be under root h by g. So time period is 2 pi under root h by g. Always remember, अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, so from this triangle जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, what is cos theta? If you say cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse l, so h is equal to l cos theta. Correct? So in this case, you can even put h is equal to l cos theta. So your t equation will become 2 pi under root l cos theta divided by g. Correct? So this is third formula. Right, students? So this is third formula, time period. Correct? Right now, currently, we are going to take time period ka symbol as t. Okay, so we are taking time period as small t. T. Correct? T. T. So formula is 2 pi under root l cos theta divided by g. Even you can take h is equal to l cos theta here also. The formula will become omega is equal to under root g divided by l cos theta, ठीक है. Now that depends upon कि आपको क्या दिया हुआ है डेटा में. So whether h दिया है या डायरेक्टली l और theta दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है. तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपरली. फिर इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊंगा, एंड दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो जस्ट नोट डाउन फास्ट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अब हम टेंशन की बात करेंगे, टेंशन कैसे फाइंड आउट करना है. टेंशन तो बहुत अलग अलग तरीके से भी फाइंड आउट हो जाता है यहाँ पर, बट द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द टेंशन इज, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो, यू कैन इजीली से दैट टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. सो फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग, टी cos theta is equal to mg. So basic first formula is t is equal to mg divided by cos theta. ठीक है.
फिर एक्चुअल में जो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें पता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से है, जस्ट पे अटेंशन, इट इज टी इज इक्वल टू एम जी अंडर रूट वन प्लस आर बाय एच डी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है फाइनल। अब लोगों के मन में आता है सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो बहुत सिंपल, एज यू नो दैट टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, वी कैन से दैट इट इज एम जी सेक थीटा, राइट। नाउ t is equal to mg sec theta, we can write it down as under root sec square theta, correct? Next, mg sec square theta is 1 plus tan square theta, and tan theta is r by h, so you can put tan theta is r by h, so tan square theta is r by h, the whole spelling, your formula will be clear. So by this way, टेंशन इन द स्ट्रिंग हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द मेथड, बट मेन फॉर्मूला इज दिस एंड अल्टीमेटली दिस, करेक्ट। सो बाय दिस वे योर कोनिकल पेंडुलम कॉन्सेप्ट फॉर एंट्रेंस गेट्स ओवर। यहां पर आपको इतना समझ रहे हैं, जनरली मेरी गो राउंड वगैरह के जब सम्स आते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट का बहुत फायदा होता है, करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन, इसको लिख नहीं पा, ओके, सो ये आपने लिख लिया फॉर्मूला, राइट। अब इसके आगे जो पार्ट है आपका, जो आपको मैंने बोर्ड में समझाया था, सिखाया था, दैट वाज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसको आपको मैंने जिस तरीके से सिखाया था, दैट वाज द बोर्ड मेथड। इस पर अभी मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको समझने में आसान भी होगा, कंपैरेटिवली वो भी था और ये भी आसान ही होगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट विल बी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जस्ट पे अटेंशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट एनी पोजिशन, उस वक्त आपको मालूम है हमने स्टडी किया था, विच वॉज एट बॉटम मिड एंड टॉप पोजिशन। सो अगर मैं बोलता हूं कि कोई वर्टिकल सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जायंट व्हील, या फिर अगर आप एक रस्सी को एक पत्थर बांधते उसे अगर गोल 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 घुमा दो, सो दैट विल बी अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है, बट सपोज दिस इज सेंटर एंड द पार्टिकल इज समवेयर हियर, यहां पर, or as you know that this position is neither top nor bottom, not even mid, so top bhi nahi hai, bottom bhi nahi, mid bhi nahi, ye kahin aur hi, to aise case mein ise samajhna वैसे तो बहुत difficult नहीं है, बहुत simple है। Always consider ये center है, and let us say this is vertical, and right now the angle is theta, so we'll consider the motion with respect to theta. So currently यहाँ पर अगर मैं, ये बहुत important है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दो, इसको अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज हैविंग सर्टेन काइंड्स ऑफ फोर्सेस, सो वेरी फर्स्ट फोर्स विल बी वेट, सेकंड फोर्स विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो दिस विल बी द टेंशन, करेक्ट। सो mg एंड दिस विल बी द टेंशन। एट द सेम टाइम मैंने आपको बोला था मैं सेंट्रीफ्यूगल भी कंसीडर करता हूं, आपको याद है, तो जब ऐसे मोशन कर रहा होगा, सो एट दिस पोजिशन इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइक दिस, एंड दिस विल बी mv स्क्वायर बाय r, करेक्ट। इसमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं आपको कि आपको किसी एक फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा आपको किसी एक फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा, तो आप कौन सा फोर्स रिजोल्व करोगे, तो लोगों को लगता है कि सर mg तो सीधा है, तो ये दोनों तिरछे हैं ना, फिर t तिरछा है, ये तो ठीक है, तो mv स्क्वायर बार इसको आप कुछ नहीं कर सकते, तो t तिरछा है, तो t को हम रिजोल्व करेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि यहां पर आपको t को रिजोल्व नहीं करना है, बिकॉज राइट नाउ इन दिस केस दिस पार्टिकल इज लाइक दिस, यहां पर है, और ये कहां पर मूव होने जा रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज लाइक दिस, समझ रहे हो, यहां पर जा रहा है, इट मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड एज एक्स। रिमेंबर रिजोल्यूशन के वक्त हमें ऐसे लगता है कि एक्स और वाई को छोड़ के बाकी सबको रिजोल्व करो, ऐसा नहीं है, एक्स और वाई आप क्या कंसिडर करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हमें लगता है सर हॉरिजॉन्टल को एक्स ले लो, वर्टिकल को वाई ले लो, नहीं, आप ऐसे तय कर सकते हो कि कहां पर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है आपके लिए, हॉरिजॉन्टल कोई तिरछा बैठे आदमी के लिए हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, उसके लिए हॉरिजॉन्टल होगा, इट मींस कहीं पर भी यूनिवर्स में कोई फिक्स ओरिजिन नहीं है, या फिर कोई फिक्स एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है ना, आपके हिसाब से आप अगर थोड़ी सी मुंडी चेंज करो तो वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, इट मींस एक्स एक्सिस हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा है, ये है या ये है ना, सो उसके लिए एक ही सिंपल तरीका है मैकेनिक्स में, द डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी कंसिडर्ड एज एक्स, ठीक है। सो अब ये पार्टिकल यहां जाने वाला है आगे, so the direction of motion will be this, and this will be considered as x, so
So obviously if this is x, obviously इसका perpendicular जो होगा then will be y. और आपको x और y में जो भी है उसे resolve नहीं करना है, वो तो x और y में है. So इसका clear ही मतलब है x में कोई, यहाँ पर कोई भी नहीं है, y में दोनों है, TV है और MG स्कूल बाहर है, दोनों को भी resolve नहीं करना है. resolve करना पड़ेगा MG को. ये technique का याद रखो, entrance में बहुत काम में आएगा. अब MG को आपको resolve करना है, MG ऐसा है, correct? अब आपको इसे resolve करना है, लेकिन x और y direction में. तो x तो ये है, तो x direction में MG को अगर resolve करना है, तो MG यहाँ पर है, तो इधर तो नहीं जाएगा resolution, resolution आएगा यहाँ पर. और y direction में यहाँ नहीं जाएगा resolution, resolution जाएगा यहाँ पर. Because आपको मालूम है that the resolved components make acute angle with the actual component. तो ये रहा actual component. और इसका along x जो component होगा वो ये होगा, और along y component जो होगा वो ये, और ये दोनों भी acute angle बना रहे हैं mg के साथ. Now if this is angle theta, obviously this will be the angle theta, my corresponding angles. Now if this is theta, theta के बाजू वाला component मैंने आपको समझाया था, that is mg cos theta, और ये जो बचा हुआ component है, that is mg sin theta, right? इसलिए किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब अगर मैं आपको इसे समझा रहा हूं, पे अटेंशन. सो वी विल टेक, हमें पता है ये y डायरेक्शन है ना, y डायरेक्शन. सो वी विल टेक इक्विलिब्रियम अलोंग y डायरेक्शन. सो जस्ट पे अटेंशन, इक्विलिब्रियम अलोंग y डायरेक्शन. सो व्हेन वी से इक्विलिब्रियम अलोंग y डायरेक्शन, सो y डायरेक्शन में टोटल इस तरफ का y, दैट इज अगर मैं इसे नेगेटिव y बताऊं, इसे पॉजिटिव y बताऊं सपोज, सो टोटल नेगेटिव y शुड बी इक्वल टोटल पॉजिटिव y. सो टोटल पॉजिटिव y के मतलब इस डायरेक्शन में, इट इज mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा. सो mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, करेक्ट, इज इक्वल टू t, इज इक्वल टू t, करेक्ट. सो बाय दिस वे, इस तरीके से mv square by r plus mg cos theta is equal to क्या हो गया यहाँ पर, t हो गया है, correct है, very good. अगर ऐसा ही है, so अब यहाँ से हम calculate कर सकते हैं कि अगर आपको velocity चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से velocity को calculate कर सकते हैं, ठीक है. so this is the actual formula जो आपको याद रखना होता है, ठीक है ना. so this is tension, this is mv square by r, that is mg cos theta, and here it is mg. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चीजें जो होती है, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos theta इज इक्वल टू t, ये जो पूरा का पूरा मेथड है वो यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन में आता ही है. अगर मैं आपको बोलता हूँ ये फॉर्मूला जो है, अगर पार्टिकल टॉप पे पहुंचता है दिस, तो पार्टिकल एट टॉप, तो आपको भी मालूम है पार्टिकल जब टॉप पे पहुंच जाता है तो उस वक्त मिनिमम कंडीशन में उसका टेंशन जीरो होता है. फॉर मिनिमम केस, मैं आपको समझा रहा हूं, फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप. और टॉप पे अगर आपको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो आपको भी पता है दैट टेंशन शुड बी जीरो. सो टी इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो. नाउ एम वी स्क्वायर बाय आर इज माइनस एम जी कॉस थीटा. लेकिन जब आप यहां पर पहुंच गए, पार्टिकल अगर यहां पर पहुंच गया है, तो बॉटम से यहां तक का एंगल कितना होगा, that angle will be very good. So bottom से अगर angle की तरह, so it is 180 degree. What is cos of 180? तो student बोलेंगे sir cos of 180 is minus 1. Exactly. So mv square by r is equal to minus mg minus 1. So that minus minus will be plus. So mv square by r is equal to mg. M will get cancelled and your v square will be rg. So v is equal to under root rg. शायद आपको पता है, right? So by this way, आपका वो वेलोसिटी वहां का आपको मिल जाता है, सही है, वेरी गुड. आपको भी पता है जब आप मिड पे पहुंच जाते हैं, जैसे आप अगर यहां पर पहुंच गए सपोज मिड पे, तो आपका टेंशन यहां होता है, राइट, और mg नीचे होता है, करेक्ट, और बाहर की तरफ जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर का. मैं मिड की बात कर रहा हूं, अगर पार्टिकल मिड पे चल रहा है, राइट, मतलब उस वक्त जो आपका टी होता है वो तो mv स्क्वायर का ही होता है, राइट. तो उस तरीके से उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है ना. सो वो आपको फिर
वैसे वैसे मिड के लिए, बॉटम के लिए और अलग अलग शेप्स के लिए या फिर अलग अलग जगहों के लिए आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मेन बताने वाली बात यह है दैट mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू t। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिगार्डिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो आपको हमेशा काम में आते ही रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको हमेशा वेलोसिटीज की वैल्यू वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है, एक बार आपको ये वेलोसिटी मिल गया तो फिर मिड का वेलोसिटी कैसे मिलेगा, आपने स्टडी किया था कैसे आपको टोटल एनर्जी को इक्वेट करके सॉल्व करना पड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। सो दैट इज दिस केस, तो ये तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए फास्ट। So, अब आपने इसे मुद्दा कर लिया होगा तो किसी भी पोजीशन का अगर आपको टेंशन चाहिए या फिर आपको वेलोसिटी वगैरह चाहिए, ठीक है ना, तो आप इस इक्वेशन के सहारे जाके वहां पर उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फिलहाल नहीं, अगर आपको कॉस थीटा चाहिए आपको, तो ये कॉस थीटा भी आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। अगर ये थीटा है दिस अपोजिट साइड या फिर ये एडजेसेंट साइड है और ये आपका लेंथ है, तो अकॉर्डिंगली आप इसे कॉस थीटा में भी कन्वर्ट करके काफी सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था उसका एंट्रेंस हिसाब से क्या फॉर्मूले थे उसके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तो कुछ और चीजों को स्टडी करेंगे और फिर हम इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी करने वाले हैं। तो अब तक जितना भी पार्ट हुआ है उसको आपको अच्छे से माइंड में रखना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।